आप सबको नमस्कार। कोरोना की इस महामारी के दौरान एक आम आदमी को चारों तरफ से मार पड़ रही है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने की भी दिक्कत हो रही है, राशन की दिक्कत हो रही है। जिनके घर में कोरोना हो जाता है उनको 10 तरह की समस्याएं हैं। उनको बीमार आदमी को लेके अस्पताल लेके जाना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में तो इलाज मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल के अंदर अच्छा खासा पैसा लग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में उनके अपने अपने लोगों की मौत हो गई। जो उनके कमाने वाले थे उनके घर में, उनकी मौत हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके दोनों माँ बाप चले गए। कई बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनके कमाने वाले बच्चे चले गए। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसी के ऊपर मंथन कर रहे थे कि किस तरह से इस वक्त, हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हम सब एक परिवार हैं, किस तरह से इस वक्त हम लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें। तो आज विचार मंथन के बाद चार हम लोग घोषणाएं करने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चार कदम हम उठाने जा रहे हैं इससे लोगों को इस मुसीबत के वक्त में काफ़ी राहत मिलेगी। पहली चीज़, दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं। इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा 5 किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत और दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त दिया जा रहा है। तो हर राशन कार्डधारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है जो कि मुफ्त होगा। 5 किलो दिल्ली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन दिल्ली में केवल 72 लाख राशन कार्डधारी हैं। ये 72 लाख का कोटा केंद्र सरकार ने, हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतने राशन कार्डधारी होंगे, तो नए राशन कार्ड अभी नहीं बन सकते। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया क्योंकि राशन का कोटा खत्म हो गया दिल्ली का। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। जो जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा। पिछले साल भी जब पहली वेव आई थी, हमने नॉन पीडीएस वालों को राशन दिया था। जिस तरह से पिछली बार दिया था, उसी तरह से इस बार भी जिनके राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को राशन दिया जाएगा। ये 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर ये लागू हो जाएगा और आपको राशन मिलना चालू हो जाएगा। इसमें आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। जो कहेगा मैं गरीब हूँ, मुझे राशन चाहिए, उसको राशन दिया जाएगा। दूसरे, ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई, उन सभी लोगों से हमारी सहानुभूति है। हम समझ सकते हैं जब अपना अपने किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के ऊपर, अपने ऊपर कितनी बड़ी घास गिरती है। आपके इस लॉस को, इस क्षति को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है,
उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, एक्स ग्रेशियो अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। तीसरा, ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, वो व्यक्ति कमाता था, हर महीने घर में कुछ लेके आते थे, उन्हीं की वजह से परिवार चलता था। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी, और अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो पेंशन मिलेगी। लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी, जहाँ जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई, उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई, या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई, मतलब दोनों में से एक की कम से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक, और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी। तो ये हमने काफ़ी सोचा कि किस किस तरह से हम अपने लोगों की, दिल्ली के लोगों की, कोरोना की इस कठिन परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं। ये चार अहम कदम दिल्ली सरकार उठा रही है, अगले कुछ दिनों के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा, कैबिनेट से इसको पास करा दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं जो आज की है, इतना पैसा कहाँ से आएगा। 6 साल पहले आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई थी, पिछले 6 साल में हम हर सरकारी काम में रिश्वतखोरी भी नहीं होने देते, उससे पैसा बचाते हैं, फिजूल खर्ची भी नहीं होने देते, उससे भी पैसा बचाते हैं। लेकिन पिछले 4-5 दिन के अंदर हम लोगों ने, मैंने, मेरे मंत्रियों ने, मेरे अफसरों ने बैठ के इस पे काफ़ी विचार में मंथन किया और ये देखा कि कहाँ कहाँ से इस वक्त हमारे लोग मुसीबत में हैं। इस मुसीबत में अगर हम अपने लोगों के काम नहीं आएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो हमने देखा कि कहाँ कहाँ से हम पैसा बचा सकते हैं, किन किन चीज़ों से पैसा निकाल सकते हैं। उन सब चीज़ों से पैसा निकाल के हम ये चार महत्वपूर्ण योजनाएं आपके लिए लेके आए हैं। एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आप मुसीबत में हैं, इस मुसीबत की घड़ी में आप जब भी कभी मुसीबत में होंगे, आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। मेरा फर्ज है कि अगर आप कभी भी मुसीबत में हो तो आपकी मदद करूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो इतनी मुश्किल घड़ी हमारे सामने आई है, हम सब मिलके एक परिवार की तरह, दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक परिवार की तरह इसका मिलके मुकाबला करेंगे और हमारी जीत अवश्य होगी। नमस्कार।